हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट की डेफिनेशन और डिस्काउंट के टाइप्स। सबसे पहले बात करें डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट इज अ टूल विच इज यूज्ड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स थ्रू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट एक ऐसा टूल है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, यूज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और किस वे में अट्रैक्ट करेंगे? अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करके। फॉर एग्जाम्पल, आज Amazon और Flipkart जब भी दिवाली आने वाली होती है तो 10 से 15 दिन पहले ही एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करा देते हैं। Flipkart की बिग बिलियन डे सेल, उस सेल के अंदर Flipkart अपनी प्राइसेस काफी हद तक रिड्यूस करती है। तो जो आज कस्टमर्स जिन्हें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर रिक्वायरमेंट रहेगी फ्यूचर में, वो भी परचेज कर रहे हैं। परचेज करने का रीजन क्या है? कस्टमर आज जो प्राइस पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेगा वो प्राइस फ्यूचर में नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेट कंपनी डिस्काउंट ऑफर कर रही है कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स आज ही गुड्स परचेज कर ले, कंपनी की तो सेल्स इंक्रीज होगी। दैट इज कंसीडर्ड एज डिस्काउंट। तो डिस्काउंट एक ऐसा टूल है कंपनी यूज करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यूज किस वे में करती है? सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके। बात करें डिस्काउंट के टाइप्स, डिस्काउंट के दो टाइप हैं। नंबर वन है ट्रेड, नंबर सेकंड है कैश। डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन इज ट्रेड डिस्काउंट, नंबर सेकंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, दैट टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज प्रोवाइडेड बाई द सप्लायर टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो सप्लायर अपने कस्टमर्स को देता है। कब देता है? जब कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है सप्लायर से। बात याद रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट उस ही समय पर सप्लायर देगा अपने कस्टमर्स को। किस फॉर्म में देने वाला है? वापस प्राइस रिड्यूस करके। कब देगा? जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। यहां मैंने जो डेफिनेशन ऊपर डिस्कस की थी डिस्काउंट की, उसमें यह मेंशन नहीं था डिस्काउंट कब प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल दिया जा रहा है, ये मतलब नहीं है ट्रांजैक्शन कैश में है या क्रेडिट है, तो उसे बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की बात करें, कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर्स टू द कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब कस्टमर सप्लायर को, ग्राहक दुकानदार को जब पेमेंट करेगा, तो दुकानदार उस ग्राहक को जो भी डिस्काउंट देगा उसे बोलते हैं शॉर्ट में सीडी या फिर कैश डिस्काउंट। दैट टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर, केवल तब दिया जाएगा जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है। तो क्या सर, जो कस्टमर उधार खरीद रहे हैं उन्हें हम डिस्काउंट नहीं देंगे कैश वाला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट केवल और केवल उन्हीं कस्टमर को दिया जाएगा जो सप्लायर को आज कैश पेड करने के लिए रेडी है। तो सर जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट था, ये दोनों कस्टमर को दिया जाएगा, चाहे जो नगद खरीदते हैं वो, चाहे उधार खरीदे वो। दूसरा बेसिस, मोटिव। कंपनी ट्रेड या फिर कैश डिस्काउंट देती क्यों? कंपनी का ट्रेड डिस्काउंट में मोटिव, कंपनी का लक्ष्य है कंपनी अपनी सेल्स मैक्सिमम कर सके। कंपनी ट्रेड डिस्काउंट इसीलिए देती है ताकि कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी की सेल्स है, वो मैक्सिमम हो सके। द मोटिव बिहाइंड ट्रेड डिस्काउंट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बट द मोटिव बिहाइंड कैश डिस्काउंट इज टू रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? आज कंपनी जो भी माल बेच रही है, कंपनी को डर है कि पैसा नहीं आया तो एक काम करो 5% डिस्काउंट दे दो, जो कस्टमर आज कैश पेड करने के लिए रेडी है उन्हें ही दिया जाएगा केवल। तो अल्टीमेट कंपनी का जो क्रेडिट रिस्क है, जो माल उधार बेचा है उसका पैसा डूबने का जो खतरा है, वो खतरा कम करता है कैश डिस्काउंट। नंबर थर्ड बेसिस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा या फिर कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रेड डिस्काउंट इज दैट टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज प्रोवाइडेड टू ऑल द कस्टमर्स, सो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, जबकि कैश डिस्काउंट केवल उन्हीं कस्टमर को दिया जा रहा है जो आज कैश पेड कर रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे सप्लायर को। सप्लायर को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्रेडिटर कहते हैं,
और कस्टमर्स को हमें कहते हैं डेटर। तो कैश डिस्काउंट हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगला बेसिस है प्रायोरिटी। अगर कंपनी ट्रेड और कैश दोनों तरह के डिस्काउंट प्रोवाइड कराती है, यदि एक बिजनेस एंटिटी दोनों डिस्काउंट टीडी और सीडी दोनों दे रही है, क्वेश्चन में दोनों ही डिस्काउंट आते हैं, तो क्या हम पहले सीडी अप्लाई करें या हम टीडी अप्लाई करें? इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है, उस अमाउंट को यदि कस्टमर कैश में पेड करने के लिए रेडी है तो कैश डिस्काउंट भी लगाएंगे। अगर कस्टमर कैश पेड करने के लिए रेडी नहीं है तो कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल में यहां पर मैं डिस्कस कर लूं प्रायोरिटी वाला। सपोज आज एक बिजनेस एंटिटी ने 1 लाख रुपए वाली एमआरपी का माल बेचा है, गुड्स की एमआरपी 1 लाख रुपए। बिजनेस एंटिटी जो टीडी देती है, ट्रेड डिस्काउंट देती है, वो 10% है। कैसा भी कस्टमर हो जो उधार या फिर नगद परचेज करे, उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो अल्टीमेट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू रहेगी 90,000। कंपनी की एटलीस्ट सेल्स तो बढ़ी 90,000 रुपए से। कंपनी की जो पहले सेल्स नहीं हो रही थी, कंपनी ने आज प्राइस रिड्यूस कर दी। फ्लिपकार्ट अमेजोन दिवाली के टाइम पे कुछ ऐसे मोबाइल फोन जो मार्केट में नहीं बिक रहे हैं, तो उनकी प्राइस इस हद तक रिड्यूस कर देती है, अल्टीमेट उन मोबाइल की मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। मोटिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है 90,000। कंपनी की पॉलिसी, जो कस्टमर कैश पेड करने के लिए आज रेडी है, उन्हें 5% या फिर जो भी स्पेसिफिक परसेंट हो, उतना कैश डिस्काउंट और मिलेगा। तो अल्टीमेट सपोज सीडी की रेट 5% है, तो जो कस्टमर आज पेमेंट करने के लिए रेडी है, उन्हें 5% 90,000 का। याद रखें, मैंने पहले माइनस किया है ट्रेड डिस्काउंट, इसके बाद माइनस करूंगा कैश डिस्काउंट। तो 90,000 का 5% मैं 4,500 रुपए का कैश डिस्काउंट और दूंगा, केवल उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाएगा। बिल्कुल सही, जो आज हमें कैश पेड करने के लिए रेडी है। तो एक मोटिव कैश डिस्काउंट का ये भी है, ये एनकरेज करता है कस्टमर्स को कि कंपनी को जल्दी पेमेंट करो, अल्टीमेट क्रेडिट रिस्क कंपनी का रिड्यूस होगा। क्लियर बात है सर? नंबर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अप्लाई कब करना है? ट्रेड और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई चाहे नगद माल बेचे या फिर उधार माल बेचें, हमेशा ही यदि एंटिटी की पॉलिसी है ट्रेड डिस्काउंट देने की तो अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सर ने कहा है ट्रेड डिस्काउंट देना ही देना है, कैश हो या फिर क्रेडिट सेल्स हो, हर बार दे दो, ऐसे नहीं चलेगा। पॉलिसी यदि कहती है एंटिटी की ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कराना है, केवल तब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। देन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, व्हेन ट्रांजैक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस वेदर कैश और ऑन क्रेडिट। लेकिन कैश डिस्काउंट केवल तब दिया जाएगा जब ट्रांजैक्शन बिल्कुल नगद में हो रहा है, यदि उधार होगा तो कैश डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं होगा। ये कुछ डिफरेंसेस थे कैश और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में। वापस एक बार समरी के फॉर्म में डिस्कस कर लें, डिस्काउंट का मतलब क्या था। डिस्काउंट एक ऐसा टूल है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, सेलिंग प्राइस में रिड्यूस करेंगे। मैंने ये बात नहीं की थी कि सेलिंग प्राइस में जो मैं रिडक्शन कर रहा हूं, ये रिडक्शन एट द टाइम ऑफ परचेज है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश है। यदि एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब बिजनेस एंटिटी यदि माल बेच रही है, ग्राहक कंपनी से माल खरीद रहा है, उसी समय डिस्काउंट देंगे तो ट्रेड है। यदि पेमेंट रिसीव करते वक्त कंपनी, बिजनेस एंटिटी कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रही है, उस समय जो डिस्काउंट दिया जाएगा कस्टमर को, वो कैश डिस्काउंट है। तो इफ डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ परचेज, इट इज नोन एज ट्रेड। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इट इज नोन एज कैश। मोटिव, दिस डिस्काउंट creates sales maximization, this discount reduces the credit risk. Number third, there is no accounting treatment for trade, but cash discount will be treated in the books of accounts. Priority, first of all trade discount will be allowed, after that cash. And number last point of application, all those transaction whether cash on credit, trade discount will be applicable, but cash discount will be applicable on cash transaction. This is all about the discount and its types.
ये जो हमने ट्रेड और कैश डिस्काउंट डिस्कस किया है, ये दोनों टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्काउंट को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। और वहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीन कैटेगरी का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। इसको प्रॉपर वे में समझने के लिए ऊपर में आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें आप फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कवर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यदि आपको पसंद आया तो एजुकेशन इंसाइट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।